तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहना। सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए कमल फ्रेश वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। और गाइस, हमारे चैनल का जो सबसे हटके ये टॉपिक होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो के अंदर सभी को मैं बताना चाहूंगा गाइस, यहाँ पर जो आप अपने फ्री फायर के रैंक मैच में गाइस सिर्फ और सिर्फ बॉट के साथ कैसे खेल सकते हो। आपके लॉबी में सिर्फ और सिर्फ बॉट की दुनिया होगी एंड आप लोग वहाँ पर शेयर बन सकते हो एंड उसको मार गिरा सकते हो बॉट को, ठीक है। और आपका जो रैंक है बहुत ही काफी ज्यादा मात्रा में आपका बढ़ जाएगा। और ये कोई आंडू पांडू ट्रिक मैं नहीं बताने वाला, बिल्कुल रियल एंड जेनुअन ट्रिक बताने वाला। इसी बात पे आप जो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हो, अगर लास्ट तक नहीं देखोगे फिर मुझे घंटा कमेंट मत करना, ठीक है। लेकिन हाँ भाई लोग, रुक जाओ यार, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। क्योंकि गाइस देखो, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना फिर मतलब मत ही देखो वीडियो यार। क्योंकि भाई देखो, रियली बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ भाई, एक सेकंड लगता है आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में, तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई। और जो फेक यूट्यूबर होता है वो तो आपके कान के नीचे से फेक वीडियो बना के चला जाता है, लेकिन आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब कर लेते हो एंड जो रियल बनता है, जो रियल वीडियो बनाता है ना, उसको आप सपोर्ट ही नहीं करते यार, बहुत ही गंदा चीज़ है यार, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दिल से यार कि भाई अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। हाँ गाइस, बातों बातों में मैं आपको बताना भूल ही गया कि हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर गाइस आप सभी को जो रिडीम कोड डायमंड वहाँ पर मैं देता रहा हूँ। गाइस अभी जो हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, तो गाइस आप लोगों को बता दूं, गाइस आप जो अपने लॉबी में सिर्फ और सिर्फ बॉट को ला सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मेरे सामने एक बॉट है, इसके सामने भाई आप नाचो गाओ कुछ भी करो, आपको ये कुछ करने वाला नहीं है। क्योंकि गाइस ये जो गिरना बॉट प्लेयर आपके सामने लेकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस ट्रिक जो है सभी को पता है, लेकिन वो ट्रिक नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर जो बॉट का हरकत देखो, देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ भागता जाएगा भाई, मतलब आपको दो तीन गोली मारेगा फिर ये भागेगा, देख सकते हो। जैसे कि गाइस यहाँ पर मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं इसको मारूंगा नहीं, इसके सामने कुछ मैं मस्ती कर लूंगा, समझ रहे हो गाइस, इसके सामने कुछ मौज मस्ती कर लूंगा। देख सकते हो इसके सामने यहाँ पर मैं इमोट दिखाता हूँ, ये कुछ करने वाला है नहीं गाइस, ठीक है। तो चलो इसको मैं हेडशॉट ही देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कोशिश क्या करूँगा, हेडशॉट ही मारूंगा, ठीक है। तो देख, तो आप लोग जब आपके सामने बॉट आएगा भाई, आप लोग कितना भी आराम से मारो भाई, आराम से एकदम, जो नूब प्लेयर ना जो नहीं खेलना चाहता उसको दे दो फोन, बोलो भाई इसको मार के दिखाओ, वो मारेगा भाई, वो भी मार सकता है, ठीक है। तो अभी देखो गाइस यहाँ पर जो ट्रिक क्या है, ठीक है, आखिर का ट्रिक है, बिल्कुल ही ध्यान से देखना। अगर ध्यान से नहीं देखोगे ना फिर बाद में मत बताना मेरे को कमेंट करके कि भाई आप जो फेक वीडियो बनाते हो, ऐसा मैं कुछ सुनना नहीं चाहता गाइस, क्योंकि ठीक है यार, क्योंकि यार रियल वीडियो बनाने के बावजूद भी कोई फेक बोलता ना एकदम दिल पे जलता है भाई, ठीक है। और अगर आप सभी को बता दो, ये कोई नॉर्मल मैच नहीं है, इसमें देख सकते हो मैं यहाँ पर जो है खेल रहा हूँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ बॉट को मार रहा हूँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ बॉट को किल कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस ये जो है रैंक मैच है, कोई भी यहाँ पर जो है क्लासिक या फिर कुछ ऐसा मैच नहीं है, ये रैंक मैच है गाइस। आप सभी को भी उस ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस रैंक मैच में सिर्फ और सिर्फ बॉट को ला सकते हो एंड जो आपका जो है यहाँ पर जितना भी मतलब आप चाहो गाइस, जितना तो नहीं चाहो मतलब आपका जो है रैंक बहुत ही ज़्यादा पुश हो सकती है। एंड गाइस बहुत सारे बंदे जो है ना सिर्फ और सिर्फ रैंक पुश करने के लिए वो अपने बहुत मतलब हिडन प्लेस में छिप जाते हैं या फिर बहुत ही ऐसे ऐसे जगह पे छिप के रहते हैं। तो भाई एक चीज बताओ यार कि भाई मान लो आप रैंक पुश करने के लिए उसको मतलब खेलते हो, ठीक है, सिर्फ छिप छिप के खेलते हो, तो भाई आपको खेलने का मतलब ही क्या है यार। मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ छिप छिप के खेलोगे भाई तो रैंक पुश करने के लिए, और आपको खेलना ही नहीं आएगा तो फिर यार मतलब क्या है यार। इसलिए भाई देखो यार, रैंक पुश करना है तो यार मतलब इस तरीके से मत करो, क्योंकि गाइस देखो फ्री फायर में रैंक आपको माइनस हो या फिर प्लस हो यार वो तो दिल से बुरा लगता है, बट अगर भाई देखो अगर आपको पूरा अच्छी तरीके से खेलना आता है ना एकदम, मतलब समझ रहे हो गाइस, थोड़ा आपका स्किल सही है तो आप ये कर सकते हो। लेकिन गाइस इसमें ना बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं या फिर जो भी होते हैं, वो लोग तो रैंक पुश करने के लिए छिप छिप के तो खेलते नहीं है, लेकिन गाइस जो बिगिनर से भी थोड़ा बड़ा होता है, मतलब समझ लो जो मीडियम प्लेयर होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, वो जो है मतलब वो तो खेलना उसको आता है, बट वो लोग भी छिप छिप के खेलते हैं, ठीक है, मतलब सर्वाइव करके खेलते हैं। तो भाई लोग सर्वाइव करके खेलो यार, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन गाइस देखो यहाँ पर जो है ना, जो न्यू प्लेयर होते हैं जिसको बहुत सारे बंदे मतलब नूब बोल देते हैं, भाई नूब तो बोलो मत किसी को, ठीक है, क्योंकि नूब बोलने से यार उसको दिल से बुरा लगता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो नए नए बंदे आते हैं ना, तो वो लोग भी अगर रैंक पुश करने के लिए ऐसे छिप छिप के खेलेंगे तो भाई उसको खेलना कब आएगा गाइस, आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ पर न्यू प्लेयर्स आए हुए हैं ना, जिसका 20-30 लेवल है या फिर ऐसे जो जिसके लेवल है भाई, तो आप जो है रैंक पुश करने के लिए भाई आप इस तरीके से मतलब छिप छिप के मत खेलो, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो ट्रेंडिंग मोड में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो या फिर आप जो क्लासिक मैच खेल लिया करो बहुत ही अच्छे से एकदम, प्ले तो खेल लो कम से कम 3-4 महीने, ठीक है, और उसी के दौरान आप रैंक मैच खेलना मत छोड़ना। और यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये अपने टॉपिक से किधर भटक रहा है, मतलब क्या क्या बता रहा है, तो भाई देखो यहाँ पर जो मैं ना कुछ भी चीज़ बताता हूँ ना, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर को पता है, मैं कुछ भी चीज़ बताता हूँ ना बिल्कुल ही एकदम उसके साथ में कुछ प्लस पॉइंट बोनस के रूप में मैं बहुत कुछ बता देता हूँ, ठीक है, जिसको सुनने के बाद ना उसको बहुत ही ज़्यादा दिल में सुकून मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ पूरा डिटेल के साथ बनाता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि चोरी चुपके बना के चल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल ही रियल बताता हूँ एंड आप सभी के साथ जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, इस जो मैं आपको यहाँ पे बोनस में बताता हूँ ना, वो आपको कहीं ना कहीं जा करके काम आता ही आता है, ठीक है। तो अभी देखो गाइस आपको बता दूंगा कि आपको जो आखिरकार रैंक मैच में बॉट कैसे लेना है। देखो भाई बॉट का कहने का मतलब कि गाइस आप जो है रैंक
पुश करने के लिए वीडियो सिर्फ और सिर्फ है। कहने का मतलब आप लोगों को बॉट अगर मिलेगा तो आप लोग क्या करोगे, बॉट को मार मार के आपका जो रैंक है बिल्कुल ही पुश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर जो एक ट्रिक तो सभी को पता है कि आपको रैंक मैच में जो यहाँ पे बॉट को कैसे लाना है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको जो मतलब जो नया एक आईडी बना लेना, ठीक है, एक नया आईडी बना लेना है फ्री फायर का। और आपको क्या करना है, दो फोन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अगर आपका फ्रेंड है तो वो भी काम दे सकता है। तो आपको क्या करना है गाइस, नया आईडी बना लेना जिसके अंदर जीरो लेवल हो या फिर कुछ भी। तो उसके साथ में आपको एक सोलो नहीं आपको डुओ मैच खेलना है, ठीक है। एक बार क्लासिक में आपको डुओ मैच खेल लेना है। डुओ मैच खेलने के बाद गाइस क्या होगा, आपको फिर से उसी के साथ में लॉबी पे आना है। एंड उसी के साथ में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको रैंक मैच चला देना, ठीक है। उसी के साथ में याद रखना, एक चीज याद रखना कि आप इनवाइट मत करना, ठीक है, उसी बंदे को इनवाइट करने देना जो आपका फ्रेंड है ना, वो आप लोग मतलब आप लॉबी में रहना और उस बंदे को बोलना, आपका दोस्त है उसको बोलना भाई तू मेरे को इनवाइट कर, तो वो आपको इनवाइट करेगा तो आप उसके लॉबी पे चले जाओगे। एंड वो जो मैच चलाएगा ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बॉट ही बॉट आएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉट, क्योंकि गाइस उसका लेवल नहीं है। तो गिरना खुद जो है कंप्यूटराइज जो प्लेयर्स उसको सेंड करेगा और उसके साथ खेलोगे तो आपका रैंक तो वैसे पुश तो होना ही है, ठीक है। अभी जो बात करते हैं सेकंड ट्रिक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रिक्स आप जैसे सोचोगे ना मतलब जानोगे ना तो आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या यार भाई ये तो टट्टी है, ठीक है। लेकिन नहीं भाई देखो यहाँ पर ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, सेकंड वाला जो ना ये ट्रिक्स नहीं है, आपको बता दूं गाइस ये ट्रिक्स नहीं है। क्योंकि ट्रिक्स क्यों नहीं है, तो देखो भाई आप लोगों को बता दूं, जब भी आप मैच खेलते हो आपको पता है रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, देखो गाइस यहाँ पर जो ना आप लोग सुबह के 5 या 6 बजे, ठीक है, सुबह के 3 से लेकर के, अब यार अब उतना देर मतलब उठ के मत खेलने लगा, ठीक है, सुबह बहुत बंदे तो 5 बजे 6 बजे अगर आपको रैंक पुश करना है तो भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको रैंक पुश करना है तो आपको क्या करना है, सुबह के 5 बजे लगभग उठ जाना है। 5 बजे उठने के बाद गाइस देखो 5 या 6 बजे के बीच में ना बहुत सारे बंदे नहीं खेलते हैं, ठीक है, मतलब खेलते ही नहीं है बंदे गाइस, ठीक है, तो बंदे नहीं खेलते तो आपको क्या करना, तभी खेलना, तभी जो ट्रैफिक बहुत कम, जब ट्रैफिक कम रहता है तो आप सभी को पता है कि गिरना वाला जो है मतलब टीम को मतलब जो वहाँ पर लॉबी को फुल करने के लिए वो जो कंप्यूटराइज प्लेयर को वहाँ पर अपने ऑटोमेटिक जो है बॉट बंदे को जो वहाँ पर लाके खड़ा कर देता है, मतलब समझ लो बॉट बंदे सब आ जाता है गाइस। और उसमें आप सभी को क्या पता है वहाँ पर प्रो प्लेयर्स नहीं आते, ठीक है, अगर आएंगे भी तो यार गिना चुने आएंगे, उसमें तो आप लोग लगभग 15-20 तो किल कर ही लोगे, और 15-20 किल करोगे तो आपको पता ही है 15-20 किल में कितने आपका जो रैंक पुश होगा। और गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा भाई, देखो बहुत सारे बंदे जो ना सोचेंगे भाई बॉट प्लेयर आया बॉट प्लेयर है, जब आप लोग बॉट प्लेयर्स को मारते रहोगे तो आपको लगेगा भाई सभी बॉट प्लेयर है, आप लोग जो है बॉट प्लेयर के सामने जो है मतलब इमोट दिखाओगे, नाचोगे, डांस करोगे, तो भाई ऐसा जो है ना आप लोग सोच संभल के थोड़ा संभल के करना, क्योंकि देखो बॉट प्लेयर के साथ साथ प्रो प्लेयर भी रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर प्रो प्लेयर के साथ भी अगर आप लोग डांस करोगे तो आप लोग मारा जाओगे, ठीक है। और ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है भाई, अभी आप लोगों को मैं एक क्लिप दिखाऊंगा उसके साथ मेरे ये चीज़ हो चुका है, ठीक है। मैं जो मतलब मैंने सोचा भाई सिर्फ और सिर्फ बॉट प्लेयर ही है तो भाई मैं आराम से जो है ना उसको मार सकता हूँ, तो मैं एक मतलब उतना भी वो भी बॉट ही था मतलब उतना भी खतरनाक प्लेयर नहीं था, तो मैं उसके सामने जो है ना मैं थोड़ा सा डांस करने की सोच रहा, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को धो डाला, ठीक है। हालांकि मैं बच सकता था, ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं सोचा यार कि वो भी बॉट ही प्लेयर है, तो मैं इसके सामने गया और यहाँ पर मैं डांस करने लगा, देखो यहाँ पर मैं डांस करने लगा, ठीक है। लेकिन यार देखो उसका डैमेज देख के मैं हैरान हो गया, मैं बच भी नहीं पाया भाई, तो यही होता है। तो इसलिए आप लोग मत सोचो कि भाई कोई बॉट प्लेयर है, तो ये देख सकते थोड़ा सा ये प्रो जैसा, प्रो तो नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ भाई जो रियल बंदा होता है जो रियल प्लेयर उसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप कि गाइस आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ गाइस सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो गाइस आप सभी को मैं रिडीम कोड देता रहता हूँ, ठीक है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।